पे आज है टिनप्लेट कंपनी ऑफ इंडिया। ये बड़े अट्रैक्टिव लेवल्स पे इस समय खड़ी हुई है, अपने जो 312 रुपए के साल के हाई से उससे 50% से ज्यादा करेक्ट हो चुका है और इन लेवल्स पे लंबे अरसे से स्टॉक कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट शायद एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मैं देख रहा था लास्ट हफ्ते स्टॉक में दबाव आया था और उस पूरे लास्ट हफ्ते की दबाव की भरपाई कल एक दिन पे स्टॉक करता हुआ नजर आया। इस तरह की स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिल रही है और एक स्ट्रॉन्ग पेडिग्री कंपनी है, टाटा ग्रुप एंटिटी है और प्रमोटर है टाटा स्टील, जो थ्रेशोल्ड लिमिट 75% तक का स्टेक इस कंपनी में ओन करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बेहद स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। ये कंपनी एक पायनियर है टिनप्लेट मैन्युफैक्चरिंग की, इस देश में इंडस्ट्री लीडर है। टिनप्लेट यानी कि थिन शीट्स होती है स्टील की, जिसको टिन से कोट करा जाता है ताकि उसका कोरोजन ना हो स्टील का, और ये प्रिफर्ड है ग्लोबली पैकेजिंग मीडियम के तौर पर टिनप्लेट्स, क्योंकि शेल्फ लाइफ लंबी होती है, क्योंकि बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन मिलता है, अरोमा और फ्लेवर इंटैक्ट रहते हैं, एक्सीलेंट प्रिंटेबिलिटी स्किल्स होती है इसकी और सबसे इंपॉर्टेंट इको फ्रेंडली है टिनप्लेट्स। और ये कंपनी है जो टिनप्लेट जो है और ये कंपनी भी जो है ये फूड्स और नॉन फूड दोनों सेगमेंट्स को कैटर करने का काम करती है। तो फूड में फूड और प्रोसेस्ड एडिबल्स वगैरह, यानी कि जो आप ऑलिव ऑयल के, घी के, वनस्पति के टिन के डब्बे देखते हैं, कोल्ड ड्रिंक के कैंस देखते हैं, कैंड जूस देखते हैं, कैंड फ्रूट्स देखते हैं, बेबी फूड, कंडेंस्ड मिल्क, चीज, ड्राई फ्रूट्स, ये तमाम जो टिन के आपको शेल्फ में नजर आते हैं प्रोडक्ट्स, लार्जली यही कंपनी है जो उस पैकेजिंग को बनाने का काम करती है। नॉन फूड में जो पेंट्स के डब्बे आप देखते हैं टिन के, एरोसॉल्स, आसान शब्दों में जो आप बॉडी ड्यूडेंट स्प्रेस की बोतलें देखते हैं, इंसेक्ट रिपेलेंट्स, मॉस्किटो रिपेलेंट्स जो आप देखते हैं, स्प्रे पेंट्स देखते हैं, रूम फ्रेशनर्स देखते हैं, ये सब ये कंपनी बनाती है। बैटरी की जैकेट्स हुई, केमिकल्स को रखने के लिए जो टिन का जरूरत होती है वो टिनप्लेट यही कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और लार्जेस्ट टिनप्लेट मैन्युफैक्चरर इस देश में, इस देश का जो बाजार है उसका 50% का मार्केट शेयर इस इकलौती कंपनी के पास है और इंडियन इकोनॉमी जो ग्रोथ पाथ पे है, पैकेजिंग मटेरियल की इंप्रूव डिमांड देखने को मिल रही है, लगातार डोमेस्टिक टिनप्लेट डिमांड एक इंप्रूवमेंट दिखाती हुई आपको नजर आएगी। यही नहीं, ये तो इंडियन मार्केट्स की मैं बात कर रहा था, ये कंपनी अब एक रीजनल डोमिनेंट प्लेयर बन गई है एशिया की। 25% अपना धंधा ये ग्लोबल मार्केट से डिराइव करती है जिसमें 24 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट करने का काम है। और FY18 लास्ट फाइनेंशियल ईयर में एक ट्रांजिशन करा, इसका एक टाटा स्टील के साथ कन्वर्जन एग्रीमेंट था, अब वो उसे एग्रीमेंट को हटाकर ये कंपनी खुद अपने रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने का काम कर रही है और फाइनेंशियल्स फाइनली बड़े स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे आपको नजर आएंगे। पिछले 3 सालों से एक जीरो डेट कंपनी है ये और इस समय बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे, हाईएस्ट एवर सेल्स और प्रोडक्शन FY18 में इस कंपनी ने क्लॉक करे। आपकी स्क्रीन पर आंकड़े आएंगे, प्रोडक्शन में 11% का उछाल देखने को मिला, इबीटा 60% मजबूत हुआ FY18 और FY17, मुनाफे में 160% का उछाल था। यही नहीं, इस साल के जो अब तक के 9 महीने हो चुके हैं, रेवेन्यूज में 52% का उछाल देखने को मिला है और इस साल की शुरुआत में प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर कंसर्न्स थे, इनपुट कॉस्ट क्योंकि बढ़ रही थी और इसीलिए आपने देखा स्टॉक पिटा भी था। अब Q3 में देखिए इस कंपनी का मुनाफा 22% सुधरता हुआ नजर आया है, तो वो दबाव जो था वो ईज ऑफ होता हुआ आपको नजर आएगा। और FY18 के एनुअल रिपोर्ट में देख रहा था, 99th एनुअल रिपोर्ट थी, तो अब जब एनुअल रिपोर्ट आने वाली है 100 होगी, सेंटेनरी सेलिब्रेशन है इस कंपनी के और फाइनली एक स्वीट स्पॉट में है। ग्लोबली इस समय दिक्कत है ट्रेड वॉर टैरिफ फॉल को लेकर, अगर वो सुलझ जाता है तो इसकी एक्सपोर्ट डिमांड इंप्रूव होगी, एक हैंगओवर खत्म होगा। नहीं सुलझता है तो आपने एक सीलेसी की रिपोर्ट इस साल की शुरुआत में आती हुई देखी थी कि मेटल्स कोलैप्स होते हुए नजर आएंगे, ऐसा हुआ तो इस कंपनी का जो इनपुट है ये स्टील, इसके प्राइसेस रिड्यूस होंगे और डोमेस्टिक मार्केट में इसको बहुत बड़ा फायदा मिलना है, इसलिए मैंने कहा एक स्वीट स्पॉट में एक अच्छी पेडिग्री कंपनी रडार पर रखें।